हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हम यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे। अभी मैं एप्लीकेशन पर कंटेंट सीक्वेंस में अगर मैं बात कहूँ, जैसे कि हमने बीए बीएससी के कोर्सेज करवाए हैं, कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर करवाया है और स्टूडेंट किसी भी टाइम कोर्स लेकर के पढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, कितने भी टाइम रीड कर सकता है, कितनी क्लासेस अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, क्योंकि पूरा सिलेबस वहाँ पर हमने रिकॉर्डेड करवाया है। ठीक है, तो ये जो एमएससी के लिए स्टूडेंट की डिमांड आ रही है और काफ़ी टाइम से ये डिमांड आ रही है कि मैम एमएससी का भी स्टार्ट कीजिए, तो इस सेशन से मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं एप्लीकेशन पर आपको सीक्वेंसली लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाऊँ और जो आपके डाउट्स हैं वो हम वहाँ पर ले पाएँ। लेकिन अभी मैं ये जो पेपर है यूट्यूब पर स्टार्ट कर रही हूँ और इसके बाद जो भी अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपके पूरे सेमेस्टर के जो पेपर्स रहेंगे वो मैं आपको एप्लीकेशन पर कम्प्लीट करवाऊँगी। अभी क्योंकि इसलिए कम्प्लीट नहीं करवा पा रहे, अभी हमने स्टार्ट किया है कोर्स एस्टेट। ठीक है, तो एस्टेट जो कि आपको आफ्टर एमएससी अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं और आपको बीएड भी करना पड़ेगा खैर अभी तो, लेकिन आपको अगर पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपको पहले एस्टेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो ये पीजीटी के लिए स्पेसिफिकली हमने वहाँ पर स्टार्ट किया है कोर्स, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ वहाँ पर मुझे इस कोर्स को कम्प्लीट करवाने में लग जाएंगे। तो इसलिए एमएससी का जो सिलेबस है अभी मैं 2 महीने तो नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले अगर शुरू कर दिया हमने फर्स्ट सेमेस्टर का, तो चाहे मुझे डेली की 5 से 6 क्लासेस लेनी पड़े, आपका सिलेबस मैं वहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी, जहाँ तक मैंने प्लानिंग की है, जहाँ तक मैंने मेरा वर्क प्लान बनाया है, तो जल्दी से मैं ये कोर्स कंप्लीट करके और फिर मैं एमएससी के जितनी भी आपकी बुक्स होंगी वो सारी एप्लीकेशन पर, जैसे बीएससी के कोर्सेज या बीए के कोर्सेज हमने कंप्लीट करवाए हैं, सिमिलरली आपको वहाँ पर अवेलेबल हो और आपके जो एमएससी का जितना भी सिलेबस रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का मैं वहाँ पर कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या प्लानिंग रहती है। अभी के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जितना मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, जितना मैं यूट्यूब पर डाल सकती हूँ, डेली के एक क्लास तो जरूर से ज़रूर अपलोड करेंगे, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी रखेंगे, वीक में 2 रखेंगे या 3 रखेंगे और एमएससी की भी क्लासेस हम रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारे ही कमेंट आते हैं, एप्लीकेशन पर देखो, वहाँ पर व्हाट्सएप पर चेक करो, वहाँ पर और पर्सनली फ़ोन भी बहुत आते हैं, ऑफिस का जो नंबर है फ़ोन कॉल्स भी बहुत आते हैं कि एमएससी की बहुत डिमांड आ रही है। इसलिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि इस सेमेस्टर में आपको मैं करवा पाऊँ। अगस्त और सितंबर ये 2 महीने तो हम करेंगे, जब तक हमारा काम चलता है मैं यूट्यूब पे करवाऊँगी, लेकिन जैसे ही मैं एस्टेट का कोर्स कम्प्लीट करती हूँ फिर हम मूव कर जाएंगे एमएससी कोर्सेज पर। जो स्टूडेंट एमएससी एंट्रेंस के लिए वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाइनल ईयर में ही एमएससी एंट्रेंस कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए आपको वाकई में बहुत सी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रेजुएशन में अगर आप देखोगे तो 18 बुक्स आपके पास हैं और उन 18 बुक्स में से ही आपको पेपर बना के दिया जाता है। 100 आपके क्वेश्चन होते हैं मिनिमम, अगर 100 है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ये देख के चलो कि अगर हमें 18 बुक्स में से 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमें बिल्कुल टिप टॉप तैयारी होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि बिल्कुल हर एक चैप्टर का हमारा बेसिक जो नॉलेज है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो वो भी एमएससी एंट्रेंस कोर्स भी अभी हम स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं, आफ्टर 2 मंथ, क्योंकि एमएससी एंट्रेंस भी काफ़ी स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में ज्वाइन करते हैं आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सो रेडी रहिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्लासेस के लिए। ऑलरेडी मैं 3 से 4 क्लासेस या बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैं करवा चुकी हूँ, आप यूट्यूब पर अपने ही चैनल पर सर्च कर सकते हो, तो वहाँ से देखते हैं, वहाँ से मैं उन 4 क्लासेस के बाद से कंटिन्यू करते हैं या फिर वहाँ पर भी उनको दोबारा करवाने की ज़रूरत रहती है, तो आप तब तक वो क्लासेस ज़रूर देख सकते हैं, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो कंटेंट रहेगा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं वो हर किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूड होते हैं, राइट। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है, मेरी वो यूनिवर्सिटी है, हम ये जब पेपर स्टार्ट करेंगे तो इसका सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बी रेडी फॉर क्लासेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा।
बाय, टेक केयर।